कैसे हो? बढ़िया। चलिए, तो आज हम आप लोगों के साथ आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, जो हमारे 12th कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लास्ट और वेरी आईएमपी टॉपिक है। क्लियर? तो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे क्या आइसोमेरिज्म। क्या डिस्कस करेंगे? आइसोमेरिज्म। तो जो हमारा आइसोमेरिज्म टॉपिक्स है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आइसोमर होता क्या है। तो आइसोमर होता क्या है, ये समझने से पहले हम इसके दो टाइप्स की स्टडी करेंगे। क्लियर? तो पहले हम इसके दोनों टाइप्स देख लेते हैं। तो एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होता है? एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यदि हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स का होता है? तो ये एक होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तीसरा होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को हम सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्लियर? सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं इसका। तीसरा हमारा, हमने तीसरा पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म इसका चौथा होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसका पांचवा होता है लिगेंड आइसोमेरिज्म। छठा होता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो कि मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? सिक्स टाइप से। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर? अब यदि हम बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी हमारा दो टाइप्स का होता है। क्लियर? एक तो होता है जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक हमारा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल को भी हम दो टाइप्स में स्टडी करेंगे। एक पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिव, एक पढ़ेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्लियर? ऑप्टिकल एक्टिव मतलब कि प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगा, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अब समझो, जो रियल में आइसोमेरिज्म का मतलब है, जो हमारा रियल मीनिंग है आइसोमेरिज्म का, तो क्या? आइसो मतलब से मर, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर? यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जिसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, तो आप देखिएगा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उनका नॉर्मली मेटल लिगेंड्स, ठीक है, सिंपल आयंस नॉर्मली सेम होता है, बट उनका अरेंजमेंट कुछ अलग अलग हो जाता है। तो यदि आपका जो आइसोमेरिज्म है, तो वहां पे यदि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट इफ स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। क्लियर? तो हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा? मॉलिकुलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला बोथ आर सेम। यहाँ पे दोनों सेम होंगे, बट यहाँ पे इनकी पोजीशन डिफरेंट होगा। क्लियर? यहाँ पे इनका पोजीशन डिफरेंट हो जाएगा। तो हम आइसोमर को समझो, तो जैसे मान लो आइसोमर मतलब कि मैं हो गया, जो टीचर्स हो गया वो हो गया आइसोमर। अब दो स्टूडेंट्स हैं, एक है स्ट्रक्चरल, एक है स्टीरियो। तो जो स्ट्रक्चरल हो गया, ये मान लो हो गए बॉयज, ये हो गए गर्ल्स स्टूडेंट।
क्लियर। ये हो गए बॉयज स्टूडेंट और ये हो गए गर्ल्स स्टूडेंट और ये हो गए टीचर। आप याद रखिएगा जो टीचर्स है वो आइसोमर है और जो बॉयज है वो और जो गर्ल्स हैं वो जो टीचर को फॉलो करते हैं, मतलब कि आइसोमर को ये भी फॉलो करेगा, आइसोमर को ये भी फॉलो करेगा, बट फॉलो तो वो दोनों करेंगे। मतलब जो कॉन्सेप्ट टीचर आपको पढ़ाएगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो तो चाहे बॉयज स्टूडेंट हो चाहे गर्ल्स स्टूडेंट हो, दोनों पढ़ेंगे। क्लियर। लेकिन यहाँ होता क्या है कि जब बॉयज स्टूडेंट पढ़ते हैं तो मॉलिकुलर फार्मूला लिख तो सेम है, बस जो डायग्राम है वो आड़ा टेढ़ा बनाते हैं। कैसा आड़ा टेढ़ा बनाते हैं? मतलब बॉयज की तो हैंडराइटिंग और ये सब तो पता ही है आप लोगों को। क्लियर। तो मतलब कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है मॉलिकुलर फार्मूला, यानी बॉयज है तो मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम रहेगा, गर्ल्स का भी मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो बॉयज की हैंडराइटिंग होती है माशाल्लाह क्लियर, बट इनका हैंडराइटिंग अच्छा होता है, ठीक है, सही होता है मोस्टली। पहली बार तारीफ निकल गई यार, कोई बात नहीं। क्लियर। तो ये हो गया हमारा गर्ल्स, गर्ल्स वाले में स्टीरियो आइसोमर, मतलब मॉलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, मतलब कि हैंडराइटिंग भी अच्छी है और मॉलिकुलर फार्मूला भी सही। क्लियर। उसके बाद यदि हम बात करें कि जो बॉयज होते हैं तो लिखते तो सही हैं, क्लियर, तो अब बहुत सारे वैरायटीज के होते हैं, क्लियर, कुछ पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं, कुछ कैसे भी लिखना स्टार्ट करते हैं, तो जो बॉयज होते हैं उन बॉयज की, बहुत सारे बॉयज की हैंडराइटिंग बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की होती है, लेकिन मोर देन गर्ल्स की हैंडराइटिंग अच्छी होती है। तो ज्यादातर गर्ल्स की हैंडराइटिंग अच्छी होती है, मतलब कॉपी उनकी लगभग सेम होती है, मतलब कि पार्शली एक दो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। इस वजह से जो गर्ल्स का है तो शिफ्ट दो टाइप्स का, एक जियोमेट्रिकल एक ऑप्टिकल। क्लियर। लेकिन जो बॉयज का होता है, जय हो, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, लिगेंड को कोऑर्डिनेशन पोजीशन, मतलब कि वैरायटीज ऑफ कॉपी बॉयज में बहुत ज्यादा मिलेंगी, लेकिन गर्ल्स में एक दो टाइप्स के हैंडराइटिंग में काम हो जाता है, क्योंकि मोर देन गर्ल्स का हैंडराइटिंग अच्छा आता है। क्लियर। तो क्या हुआ, देखिए, जो टीचर ने पढ़ाया तो बॉयज ने तो ज्यादा गड़बड़ किया लेकिन गर्ल्स ने कम गड़बड़ किया, लेकिन पढ़ेंगे वही सब में, देखो पढ़ेंगे वही। टीचर ने आइसोमर 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 पढ़ेंगे तो वही ना। तो मतलब जो आइसोमर होता है, देयर आर टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। क्लियर। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है सिक्स टाइप एंड स्टीरियो आइसोमर टू टाइप। सिक्स टाइप्स कौन सा? आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेट, लिगेंड, कोऑर्डिनेट, पोजीशन, इधर ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे आप लोगों के साथ, ये हो गया हमारा क्लासिफाइड, क्लियर, आइसोमेरिज्म का। अब हम सारे आइसोमेरिज्म अलग अलग पढ़ेंगे, तो अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर, फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर के ये सारे अपन अलग अलग देखेंगे। क्लियर। तो हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रक्चरल आइसोमर, आइसोमर। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर में पहला नंबर हमारा क्या था, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यदि इसका आप डेफिनेशन बोलना चाहो तो डेफिनेशन आप क्या लिखोगे स्ट्रक्चरल आइसोमर का? मॉलिकुलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर डिफरेंट। क्लियर। जिसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा वो हमारा होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारा पहला नंबर है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या है पहला नंबर? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखो, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, जैसे कि आप किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वाटर में डालोगे, कहाँ डालोगे? वाटर में डालोगे, तो ये आपको एक से ज्यादा आयंस देगा। क्या देगा? तो ये रिलीज करेगा,
मोर देन वन आयंस। क्लियर। जैसा कि हम इसको बोल सकते हैं ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में कि रिलीज आयन इन रिलीज आयन इन डिजोल्व वाटर। जैसे हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये एक से ज्यादा आयंस देता है, तो यहाँ पे वाटर है। जैसे ही वाटर में आपने कॉम्प्लेक्स आयन दिया तो ये आपको एक से ज्यादा आयंस देगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम इसके एग्जाम्पल को ऐसे बोल सकते हैं। देखिए हम बोल सकते हैं CO NH3 का होल 5 BrSO4। क्लियर। मैंने दिया CO NH3 का होल 5 BrSO4। क्लियर। अब ये हमको एक से ज्यादा आयंस दे देगा। कैसे एक से ज्यादा आयंस दे देगा, तो ये हमको आयंस ऐसे दे सकता है। देखिए ये CO NH3 का होल 4 Br ये हो जाएगा प्लस प्लस SO4-2 या SO4-। क्लियर। तो देखिए ना हमको एक से ज्यादा आयंस दिया कि नहीं, तो ये हमारा होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यदि हम एक और एग्जाम्पल ले लें इसी का, ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया CO NH3 का होल 5 Br है ना, होल 5 SO4 Br। यदि हम इन दोनों रिएक्शन को यदि हम इन दोनों रिएक्शन को इसको और इसको इसको भी BaCl2 से और इसको भी यदि हम BaCl2 से रिएक्शन कराएं तो ये हमारा क्या बना देगा, BaSO4, बट ये नॉट रिएक्शन। क्लियर। क्योंकि ये सल्फेट आयन से Ba+2 सल्फेट -2 से रिएक्शन करके बना देगा BaSO4। क्लियर। लेकिन यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो ये हो गया क्या हमारा, ये हमारा हो गया आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, मतलब कि जिसमें आयंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं, जिसमें आयंस रिलीज करता है वाटर में, ये हमारा होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ। ठीक। यदि मैं ले लूँ एक दो एग्जाम्पल और ले लूँ, Br2 बाहर Cl2, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया PtNH3 का होल 4 Cl2 और Br2। क्लियर। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को AgNO3 से रिएक्शन कराया। किससे, इसको भी AgNO3 से रिएक्शन करवाया और इसको भी AgNO3 से रिएक्शन कराया। जब मैं इसको AgNO3 से रिएक्शन कराऊंगा तो हमारा AgCl से रिएक्शन करके बना देगा AgCl, और ये हमारा AgBr से रिएक्शन करा के बना देगा AgBr। क्लियर। ये हमारा AgCl और AgBr बन जाएगा प्रोडक्ट। यदि हम बात करें AgCl तो ये हमको व्हाइट कलर का दिखेगा और ये हमको रेड कलर का दिखेगा। क्लियर। ये हो गया हमारा क्या, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और ये तभी पॉसिबल है जब इसका आयनाइजेशन होगा, मतलब कि जब हमारा ये वाला, मैं इसको देख लेता हूँ, जब हमारा ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे कन्वर्ट होगा, PtNH3 का होल 4 Cl2- प्लस Cl2-2 और Br+2 और Br-2 Br-। क्लियर। जब ये कुछ ऐसे होगा तभी ये हमारा जो AgNO3 है, तो Ag+NO3-, तो ये वाला प्लस इससे रिएक्शन करा के हमारा बनाएगा AgBr। क्लियर। तो ये तभी पॉसिबल है जब इसका आयनाइजेशन होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयनाइजेशन होगा तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। यदि आयनाइजेशन नहीं होगा तो इस रिएक्शन के जुड़ने के लिए कुछ हमको मिलेगा नहीं, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के सारे एग्जाम्पल। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हम इसको
सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म भी बोलेंगे, क्लियर। तब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है देखिए, तो यदि वाटर लिगेंड फॉर्म में यूज होता है, ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं वाटर इज यूज द फॉर्म ऑफ लिगेंड, है ना, इज कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। यदि वाटर हमारा लिगेंड फॉर्म में यूज होता है तो हम इसको बोल देंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जैसे यदि मैंने बोल दिया सी आर इंटू सी एल थ्री इंटू सिक्स एच टू ओ, क्लियर, सी आर सी एल थ्री इंटू सिक्स एच टू ओ, क्लियर। तो यदि मैं बोल दूं तो क्या बनेगा, तो इसके देखिएगा मैं कैसे इसके हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बनाते हैं। मैंने आपको दे दिया सी आर सी एल थ्री इंटू सिक्स एच टू ओ, क्लियर। तो कैसे बनेगा देखिए, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं सी आर एच टू ओ का होल सिक्स सी एल थ्री, ये हो गया हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, क्योंकि वाटर हमारा लिगेंड फॉर्म में यूज हो गया, ठीक है। वाटर यदि हमारा लिगेंड फॉर्म में हो गया तो क्या हो गया, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो गया। और कितने बना सकते हो आप, तो आप इसको और ऐसे कर सकते हो सी आर एच टू ओ का होल फाइव सी एल सी एल टू, एच टू ओ, क्लियर। अब यदि आप इस रिएक्शन को मान लो AgNO3 से रिएक्शन कराए और इसको भी AgNO3 से रिएक्शन कराए, चलिए हम एक और ले लेते हैं सी आर एच टू ओ का होल फोर सी आर एच टू ओ का होल फोर सी एल टू सी एल इंटू टू एच टू ओ, और आप इसको भी AgNO3 से रिएक्शन कराते हो, क्लियर। यदि आप इन तीनों को AgNO3 से रिएक्शन कराते हो तो ये तीनों एक्सेस में है, क्लियर, ये तीनों किस में है, एक्सेस क्वांटिटी में है। तो यहां जब AgNO3 से रिएक्शन कराओगे तो बाहर आयोनाइज्ड होने के लिए तीन क्लोरीन है। पहले आप देखो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, यदि लिगेंड के फॉर्म में वाटर यूज होता है, यदि वाटर लिगेंड फॉर्म में यूज होता है, मतलब ये भी है ये भी है ये भी है, यदि लिगेंड वाटर फॉर्म में यूज होता है तो यह हमारा होगा क्या, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, क्लियर हुआ। अब मैंने क्या बोला, तीन क्लोरीन है, AgNO3 बहुत सारा है, तो जब ये रिएक्शन होगा तो तुम्हारा यहाँ बनेगा 3AgCl, क्लियर। दो क्लोरीन है AgNO3 एक्सेस में है तो ये बनेगा 2AgCl, क्लियर। एक क्लोरीन है Ag एक्सेस में है तो ये हमारा बनेगा AgCl, एक AgCl, क्लियर। तो इस तरह से मतलब जिन जिन का आयनाइज्ड होगा उतने ही हमारे बन पाएंगे, और ये आपका अभी अभी नीट 2017 में आ चुका है, क्लियर, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म मतलब कि जितने आयन्स आपके बाहर जो जो आयनाइज्ड होंगे वही रिएक्ट कर पाएंगे, यदि ये क्लोरीन अंदर है तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दे दिया आपको सी आर एच टू ओ का होल थ्राइस सी एल थ्री इंटू थ्री एच टू ओ, आप यहाँ पे ए जी एन ओ थ्री से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे नो रिएक्शन, मतलब आपको यहाँ पे कोई भी ए जी सी एल AgCl, कोई भी AgCl नहीं मिलेगा, क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रेट या सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब हम तीसरा नंबर देखते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। जैसे अपन ऐसा करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्या किया, अपन ने ले लिया Cr H2O का होल फाइव NO3Cl, क्लियर। अब मैं क्या किया, यदि इसको एक्सचेंज कर दें, मतलब कि सी आर एच टू ओ का पांच के जगह चार NO3Cl अंदर एच टू ओ बाहर, क्लियर। तो ये हमारा क्या होगा देखिए, यदि पानी अंदर है लिगेंड फॉर्म में तो ये हमारे दोनों होंगे कौन सा, हाइड्रेट आइसोमर। बट यहां आयंस भी चेंज हो रहे हैं, यदि यहां आयन्स चेंज हो रहे हैं तो ये आयोनाइजेशन
आइसोमर भी हो सकता है, मतलब एक एग्जाम्पल एक से ज्यादा आइसोमर हो सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा इन दोनों का एग्जाम्पल हो गया हाइड्रेट और आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का। अब हम थर्ड नंबर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होगा, मतलब कि एम्बीडोंटेट लिगेंड यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एम्बीडोंटेट लिगेंड यूज्ड होते हैं, एम्बीडोंटेट लिगेंड मतलब बोथ साइड से अटैक कर सकते हैं, मतलब एम्बीडोंटेट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट बोथ साइड। जैसे मैंने ले लिया Cn माइनस, क्या ले लिया Cn माइनस, मतलब कि ये हमारा हो जाएगा देखिए C माइनस ट्रिपल बॉन्ड एंड एक लोन पेयर। तो हमारा साइनाइड क्या कर सकता है, इधर से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इधर से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्लियर? तो यदि हमारा एक एग्जाम्पल जो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उस तरह का एग्जाम्पल यदि हम यूज करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा लिंकेज आइसो में। और इसका SCN OCN NO2। क्लियर? तो ये सारे जो हमारे एग्जाम्पल हैं तो किसमें आते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। यदि हम इनके एग्जाम्पल की बात करें आपको, तो एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हो K4 FeCN का होल 6। क्लियर? ये भी हमारे, क्योंकि देखिए साइनाइड हमारा लिंकेज फॉर्म में यूज हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा क्या लिंकेज, मतलब जो हमारा साइनाइड हो लिगेंड फॉर्म में यूज हो गया। तो मतलब यदि इतने सारे लिगेंड को आप, इतने सारे यदि आप लिगेंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अंदर यूज करते हो, यदि इतने सारे लिगेंड आते हैं, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा, लिंकेज आइसो बोल सकते हो। जैसे मैं बोल दिया CO H2O का होल 5, NO2 Cl, आप ऐसे बोल सकते हो CO H2O का होल 5 OCN Cl, CO H2O का होल 5 NO2 तो हो गया SCN। तो इस तरह से आप जितने भी लिगेंड फॉर्म करोगे, वो हमारे सारे क्या हो जाते हैं, हाइड वो लिंकेज आइसो मैंने। चलिए तो अब हम आपसे फोर्थ नंबर डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर क्या था, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, मतलब कि जब दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, क्लियर, कितने दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, मतलब कि यदि हम बोलें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, मतलब कि बोथ आयन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर प्रेजेंट। क्लियर? तो जब ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव, जब बोथ आयन आर प्रेजेंट, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CO NS3 का होल 6 और CrCl6 माइनस और प्लस। क्लियर? तो यदि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दोनों हो, एक पॉजिटिव भी हो एक नेगेटिव भी हो, यदि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसके हम करें केस फर्स्ट इफ मेटल आर, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आइसोमर इक्वल टू 1/2 कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब केस फर्स्ट में है, यदि मान लीजिए आपको कॉम्प्लेक्स आयन, दो कॉम्प्लेक्स आयन मिल गए, दोनों कॉम्प्लेक्स आयन का मेटल सेम है, क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन का मेटल सेम है, यदि कॉम्प्लेक्स आयन का मेटल सेम है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, है ना, मतलब उसके नंबर ऑफ आइसोमर, उसके नंबर ऑफ आइसोमर क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर का आधा। क्लियर? तो जैसे मैंने यहाँ पे आपके साथ एक एग्जाम्पल लेके, मैंने ले लिया यहाँ पे एक एग्जाम्पल जेड एन NH4+2, जेड एन सी एल फोर माइनस टू। क्लियर? मैंने ये ले लिया एक, देखिए जेड एन प्लस फोर यानी कि ये हमारा प्लस और माइनस, यदि दो आयन्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, मतलब कि ये हमारा कंफर्म कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। क्लियर? अब इस कोऑर्डिनेशन आइसोमर में आपको ये बताना है कि इसके कितने नंबर ऑफ आइसोमर हैं, इसको स्टार लगाना, क्या बताना है, कितने नंबर ऑफ आइसोमर हैं। तो यदि आपका मेटल सेम है, यदि मेटल सेम है मतलब यहां भी जिंक है और यहां भी जिंक है, तो जो इसका नंबर ऑफ आइसोमर बनेगा वो 1/2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? तो 1/2 × कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आ जाएगा 2। क्लियर? तो इनके दो आइसोमर बनेंगे। क्लियर? कितने बनेंगे, दो। केस लेते हैं, जैसे मान लो मैंने क्या लिया था आपके साथ, मैंने लिया जेड एन NH3+4 जेड एन सी एल फोर माइनस टू। क्लियर? अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये हमारा पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा। यदि मैं इसको ऐसे कर दिया जेड एन NH3+ सी एल, है ना, तो ये आ जाएगा +1 जेड एन सी एल थ्री NH3, तो आ जाएगा -1, मतलब ये भी होगा क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी माइनस है। यदि मैं एक और एग्जाम्पल लूँ जेड एन NH3+ सी एल टू, यहाँ पर ले लूँ जेड एन सी एल टू NH3+ सी एल टू, तो यहाँ पे हो गया न्यूट्रल चार्ज 0, यहाँ पे हो गया न्यूट्रल चार्ज 0। देखिए तो यहाँ मेटल भी है, यहाँ मेटल सेम है, यहाँ मेटल सेम है, बट फिर भी ये हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं है। क्यों नहीं है कोऑर्डिनेशन आइसोमर, क्योंकि यहाँ पे चार्ज 0 हो गया, यहाँ पे चार्ज 0 हो गया, यहाँ पे चार्ज 0 हो गया, जबकि कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए क्या चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ना, ये 0 0 चार्ज हो गया, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं होगा। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट नोट। इफ मेटल आर डिफरेंट सो एक्सचेंज द मेटल एंड लिगेंड बोथ। यदि मान लीजिए मेटल डिफरेंट है, यदि मेटल अलग अलग है, तो वहां पे मेटल और लिगेंड दोनों एक्सचेंज होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आइसोमर इक्वल टू सी एन। क्लियर? तो यहाँ पे जो आइसोमर होगा उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होगा। यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं, यहाँ पे देखिए जेड एन NH3+4+2 सी यू सी एल फोर माइनस का टू। यहाँ पे देखिए मेटल डिफरेंट है, मेटल डिफरेंट है, हम इसको क्या कर सकते हैं, यदि मेटल डिफरेंट है तो दोनों चेंज हो सकता है, मेटल मेटल यदि यहाँ डिफरेंट है तो बोथ आर चेंज, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ जेड एन की जगह कॉपर ला दिया और ये हमारा NH3 यहीं रहने दिया, मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ की जगह जिंक ला दिया और ये सी एल फोर यहीं रहने दिया। तो यदि हमारा मेटल एक्सचेंज हो जाए, मेटल यदि अलग अलग है, यदि मेटल अलग अलग है तो वो एक्सचेंज हो सकता है, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे इनके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। तो ये हो गया हमारा आंसर।
क्लियर, नंबर ऑफ आइसोमर का ये हो गया हमारा आंसर। क्या करूं है ना, ये एग्जांपल आप नोट करिए, इनमें अपन ने ऐसा किया, देखिए ये हमारा ZN था, ये हमारा NH3 का होल थ्राइस Cl, क्लियर, यहाँ बन बचेगा प्लस वन, मैंने लिया CuCl3NH3, क्लियर, तो ये बचेगा माइनस वन, तो अभी ये भी कोऑर्डिनेशन, ये भी कोऑर्डिनेशन। एक और अपन ऐसा करते हैं, ZN NH3 का होल ट्वाइस Cl2, तो ये हो गया जीरो, क्योंकि प्लस और माइनस टू तो जीरो, CuCl2 और NH3 का होल ट्वाइस, तो ये भी जीरो, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं है। मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए दिखता तो सेम है बट नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए याद रखना चार्ज, इसको याद रखना, इसको MTR करो कोऑर्डिनेशन के लिए, क्लियर, कोऑर्डिनेशन के लिए चार्ज को MTR रखो, यदि चार्ज चार्ज दोनों कंपाउंड में अलग अलग है तभी पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, ये चीज याद रखिएगा आप, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर, अब हम देखेंगे लिगेंड आइसोमर। इफ ऑर्गेनिक लिगेंड यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आपके साथ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तो एग्जांपल मैंने ले लिया Fe H2O का होल फोर, क्लियर, CH3 CH2 CH2 NH2, तो ये हो गया क्या हमारा, देखिए ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक, ये हो गया ऑर्गेनिक लिगेंड। तो मैंने क्या बताया कि ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जहां पे लिगेंड के फॉर्म में ऑर्गेनिक मतलब लिगेंड की जगह ऑर्गेनिक यूज ऑर्गेनिक लिगेंड यूज करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लिगेंड आइसोमर। इसी का एक और एग्जांपल यदि हम देख रहे हैं, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, H2O का होल फोर CH2 CH CH2 NH2 NH2, क्लियर। तो जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम लिगेंड के जगह ऑर्गेनिक लिगेंड यूज करें, जहां पर लिगेंड हम लेते हैं ना, तो बहुत सारे जो लिगेंड है वहां पर यदि हम ऑर्गेनिक लिगेंड लेते हैं, तो जो हमारा ऑर्गेनिक लिगेंड आएगा, जैसे ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ऑर्गेनिक लिगेंड आएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लिगेंड आइसोमर, क्लियर। अब हम लास्ट देखते हैं, आपके साथ डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसो इन पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्सचेंज द मेटल एंड लिगेंड, क्लियर। यदि आपका पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें एक से ज्यादा मेटल है, तो उनमें मेटल और लिगेंड जो हमारा चेंज होता है वो हमारा कहलाता है कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमर। इसका एग्जाम्पल लेके और अच्छे समझ में आएगा, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल लिया, तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा है ना, देखिए हमारा मैंने क्या लिया, मैंने क्या कर लिया, NH3 का होल फोर CuOH NH3 Cr और H2O, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि NH3 का होल फोर CrOH NH3 CoH2O का होल फोर, क्लियर। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे आप अपना मेटल एक्सचेंज कर दिया, क्या कर दिया, मेटल एक्सचेंज कर दिया, यदि हम मेटल एक्सचेंज कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, पॉली मतलब इन पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, पॉली न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम मेटल यदि एक्सचेंज कर देते हैं, तो जो हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है तो हमारा होगा कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमर, क्लियर। अब हम इसके बाद आपसे
डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, जिसका मॉलिकुलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला बोथ आर सेम, मतलब कि मॉलिकुलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला बोथ आर सेम बट पोजिशन डिफरेंट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर। क्लियर, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर मॉलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला सेम हो बट उसका पोजिशन डिफरेंट हो तो वो हमारा कहलाएगा स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर का सबसे पहला जो है वो है हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमर। क्या है? जियोमेट्रिकल आइसोमर, जिसको हम प्लैनर प्लैनर आइसोमर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? हम प्लैनर आइसोमर। क्लियर, जियोमेट्रिकल आइसोमर को हम बोलेंगे प्लैनर आइसोमर। तो क्या होता है? मेटल कॉम्प्लेक्स दैट डिफर ओनली, मेटल कॉम्प्लेक्स दैट डिफर ओनली इन विच लिगेंड आर एडजेसेंट टू वन अनादर सिस और डायरेक्ट अक्रॉस फ्रॉम वन अनादर ट्रांस। क्लियर, कि यहाँ पे आपको एक सिस मिलेगा, एक ट्रांस मिलेगा, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द मेटल आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर, मतलब कि यहाँ पे जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा, जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारा क्या होगा? प्लेनर प्लेनर आइसोमर होता है, जिसमें जो मेटल्स होते हैं उनमें दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं, एक सिस मिलता है, एक ट्रांस मिलता है। तो सबसे पहले हम इसमें ए नंबर वो वाला डिस्कस करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फोर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4th वाले हैं, तो ये आपको देखिए दो टाइप्स के मिलेंगे। क्लियर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4th वाले आपको दो टाइप्स के मिलेंगे। एक आपको मिलेगा टेट्राहाइड्रल और एक मिलेगा स्क्वायर। क्लियर, तो जो टेट्राहाइड्रल होगा मतलब ये होगा sp3 और जो स्क्वायर होगा ये होगा dsp2। क्या होगा? dsp2। तो जो टेट्राहाइड्रल है मतलब इसकी स्ट्रक्चर ये रहेगी और जो स्क्वायर है तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ये रहेगी। क्लियर, तो आप ये मानिए कि टेट्राहाइड्रल में मैंने ए बी सी ए बी कुछ ऐसे रख दिया, तो डी आई ये जो है टेट्राहाइड्रल कभी भी जी आई रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मतलब टेट्राहाइड्रल कभी भी जी आई रिप्रेजेंट नहीं, मतलब यदि हम बात करें टेट्राहाइड्रल तो टेट्राहाइड्रल जी आई रिप्रेजेंट नहीं करेगा बिकॉज पोजिशन सेम कंपेयर टू लिगेंड। क्लियर, क्योंकि इनकी जो पोजिशन है, मेटल की जो पोजिशन है लिगेंड के सेम होती है। अब हम बात करेंगे स्क्वायर आइसोमर, तो अब देखते हैं कि जो हमारा स्क्वायर स्ट्रक्चर होता है वो जी आई रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं। क्लियर, करें स्क्वायर की, स्क्वायर में देखिए यदि आपका ये ऐसा दिया है मेटल, सेंटर में मेटल ए ए बी बी, तो ए बी ए बी यदि कुछ ऐसा दिया है मतलब कि ये एक ही साइड हैं, मतलब हो जाएगा सिस जी आई रिप्रेजेंट करेगा। ये देखिए ए बी है ना, ए ए बी बी अलग साइड है, तो ये हो जाएगा ट्रांस जो कि ये भी जी आई रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, मतलब कि मैं क्या बोल दिया, यदि मान लीजिए कि जो हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमर है, क्या है जो हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमर है, तो यदि हम जी आई जियोमेट्रिकल आइसोमर की बात करते हैं और वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर के केस में ये हमारा जी आई रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% करेगा। किस केस में नहीं करेगा अभी हम वो डिस्कस करते हैं, बट यदि लिगेंड सेम है, सेम साइड, तो हमारा होगा सिस आइसोमेरिज्म, और यदि हमारा होगा सेम लिगेंड
डिफरेंट साइड तो हमारा क्या होगा ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्लियर। यदि सेम लिगेंड सेम साइड है तो वो हमारा होगा सिस, और सेम लिगेंड यदि अलग अलग साइड है तो वो हमारा होगा ट्रांस। क्लियर हुआ। चलिए ये हो गया स्क्वायर वाला साइड, या सेम लिगेंड अपोजिट साइड भी बोल सकते हो। सेम लिगेंड अपोजिट साइड, यदि सेम लिगेंड अपोजिट साइड है तो हमारा होगा ट्रांस, और सेम लिगेंड सेम साइड है तो वो होगा सिस। क्लियर। जैसा एक और इसका मैं वन टू थ्री फोर। क्लियर। यदि वन थ्री टू फोर में यदि इसमें सेम लिगेंड है, तो ये होगा ट्रांस। क्या होगा ट्रांस। बट यदि वन टू टू थ्री थ्री फोर वन फोर, यदि यहाँ पे सेम लिगेंड है तो ये होगा सिस। क्लियर। यदि इन जगह पे सेम लिगेंड है तो होगा सिस, और इन जगह पे सेम लिगेंड है तो होगा ट्रांस। ट्रांस जैसे मैं एक एग्जांपल ले लिया CuCl2NH3 का होल ट्वाइस। क्लियर। तो ये तो हमारा जी आई होगा। क्लियर। क्या होगा जी आई होगा। अब जी आई के बाद हम यहां पे देखेंगे यदि हमने ले लिया CU, सॉरी CU सेंटर में ले लिया, CL CL NH3 NH3 CL CL NH3 और NH3। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सिस, और ये हो जाएगा हमारा ट्रांस, है ना। अपोज सेम लिगेंड अपोजिट साइड तो हो जाएगा ट्रांस, सेम लिगेंड सेम साइड तो हो जाएगा सिस। ठीक है। अब हम और इसके साथ डिस्कस करेंगे स्क्वायर के लिए किस किस केस में जी आई रिप्रेजेंट करेगा। स्क्वायर यदि अपनी कोई स्ट्रक्चर स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या हो सकता है, मान लीजिए आपने ले लिया MA4 MA3B MAB3। यदि ये तीन केस हैं आपके तो आप ये मान लीजिए आपका जी आई पॉसिबल नहीं है। क्लियर। लेकिन यदि यहीं पे आपका MA2B2 ले लो, या MABC2 ले लो, या MABCD, यदि ये चार चीज लोगे तो आपका जी आई पॉसिबल है। क्लियर। मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा जी आई नॉट पॉसिबल, यहां पे हो जाएगा जी आई पॉसिबल। क्लियर हुआ। चलिए अब यदि हम देखें, ये हो गया। अब हम देखें नंबर ऑफ आइसोमर इन स्क्वायर। यदि जी आई स्क्वायर है तो उसमें कितने नंबर ऑफ आइसोमर मिलेंगे। तो अब नंबर ऑफ आइसोमर किनके बनेंगे, मिलेंगे जिनके जी आई बनेंगे। तो यदि हम नंबर ऑफ आइसोमर की बात करें तो यदि आप ले रहे हो MA2B2 या MA2BC, तो यहाँ पे आपका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है दो मिलेगा, एक सिस और एक ट्रांस। क्लियर। लेकिन यदि आपने ले लिया MABCD, तो यहाँ पे आपको जो जी आई है जी आई के नंबर मिलेंगे तीन। क्लियर हुआ। यहाँ पे आपके जी आई के नंबर दो मिलेंगे, और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने मिलेंगे, तीन मिलेंगे। अब यदि हम यहाँ पे आपसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस कर, PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2, PtNH3 का होल ट्वाइस ClBr। क्लियर। तो जब मैं इसको लूंगा तो हमको दो जी आई इधर मिलेंगे, इसको लूंगा तो दो जी आई इधर मिलेंगे। क्लियर। सबका मैंने स्क्वायर बना दिया।
अब यदि आप बात करो इस वाले एग्जाम्पल के, तो ये हो गया एम ए टू बी टू और ये हो गया एम ए टू बी सी, मतलब यहाँ भी दो बनेंगे यहाँ भी दो बनेंगे, क्लियर हुआ। चलिए तो हमने ले लिया बीच में मेटल पी टी, यहाँ बीच में मेटल पी टी, एन एस थ्री एन एस थ्री एन एस थ्री, सी एल सी एल, सेम लिगेंड सेम साइड, तो हमारा हो जाएगा सीस। मैंने यहाँ पे ले लिया एन एस थ्री और यहाँ ले लिया एन एस थ्री, यहाँ सी एल यहाँ सी एल, सेम लिगेंड अपोजिट साइड, तो ये बनेगा ट्रांस। सेम लिगेंड सेम साइड तो सीस, सेम लिगेंड अपोजिट साइड तो ट्रांस। आइए यहाँ देखते हैं, तो पी टी एन एस थ्री सी एल बी आर, सेम लिगेंड अपोजिट साइड, ये हो गया ट्रांस एन एस थ्री सी एल बी आर, सेम लिगेंड सेम साइड, ये हो गया सिस। जबकि इसमें भी नंबर ऑफ आइसोमर टू और यहाँ भी नंबर ऑफ आइसोमर टू, दोनों केस में नंबर ऑफ आइसोमर टू है, दोनों केस में नंबर ऑफ आइसोमर टू है, क्लियर। यहाँ एक सिस बन रहा है, यहाँ ट्रांस बन रहा है, यहाँ सिस बन रहा है, यहाँ ट्रांस बन रहा है। लेकिन यदि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर ले लें आपके साथ पी टी एन एस थ्री सी एल एच टू ओ और सी एन, क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ आइसोमर बनेगा ये हमारा बनेगा तीन, क्योंकि यहाँ पे हमारा ए बी सी डी, क्लियर। तो इस तरह का आप स्टेप वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हो तो नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनते हैं तीन, यदि आप इस तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हो तो नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनते हैं दो, सिस और ट्रांस, क्लियर हुआ। चलिए अब हम आपके साथ यहीं का एक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। मान लीजिए आपको डाईडोनेटेड लिगेंड ले लिया गया, मतलब कि आप एक काम कर लीजिए, ऐसा एक बॉक्स बनाइए, इस बॉक्स के ऊपर लिखिए एम टी आर, यहाँ पे इफ डाईडोनेटेड लिगेंड, यदि आपके साथ डाईडोनेटेड लिगेंड दिया गया है जो कि नंबर एक प्लेनर है, प्लेनर मतलब कौन सा, इथाइलिन डाइअमीन ऑक्सलेटो डाइपाइरिडिन, क्लियर। यदि ये तीन लिगेंड हैं जो कि प्लेनर हैं तो जी आई नॉट पॉसिबल, जी आई पॉसिबल नहीं होगा, बट यदि नॉन प्लेनर ले लिया गया, क्लियर, क्या ले लिया गया, तो हमने बोल दिया ग्लाइसिनेटो, तो जी आई पॉसिबल है, क्लियर। यदि आपको ये ले लिया गया तो जी आई पॉसिबल नहीं है, और ये ले लिया गया तो जी आई पॉसिबल है, जिसको हम बोलेंगे ए बी ए ए टाइप लिगेंड और इसको बोलेंगे ए बी टाइप लिगेंड, क्लियर। तो ए ए टाइप लिगेंड में जी आई पॉसिबल नहीं है, बट ए बी टाइप के लिगेंड में जी आई पॉसिबल है, ठीक है। चलिए अब इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये है, विच कॉम्प्लेक्स स्क्वायर कंपाउंड सो द जियोमेट्रिकल आइसोमर, है ना, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करता है ना। तो हमने एग्जांपल ले लिया, ये हमने चार ऑप्शन दे दिया एम ए ए, क्लियर। दूसरा एग्जांपल दे दिया एम ए ए ए टू, एम ए ए ए बी, एम ए बी टू, क्लियर। ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा जी आई रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा जी आई पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले प्लेनर डाईडोनेटेड लिगेंड, प्लेनर डाईडोनेटेड लिगेंड जो कि जी आई रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर होगा ये।
नॉन प्लेनर, क्लियर। नॉन प्लेनर मतलब याद है ग्लाइसिनेटो, क्लियर। ग्लाइसिनेटो हमारा जो है वो जी आई रिप्रेजेंट करेगा, बाकी ये जी आई नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर जाएगा फोर्थ, ठीक है। अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्लियर। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जो हमारा के लिए देखें, मतलब ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, क्लियर। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, तो जैसे मान लीजिए ये मैंने बना लिया ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये बना दिया हमने ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मैंने नंबरिंग दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4, 5, 6। यदि सेम लिगेंड इस पोजीशन में है तो होगा हमारा ट्रांस, क्या होगा ट्रांस। लेकिन यदि 1, 4, 3, 4, 2, 3, 1, 5 इस तरह है तो होगा हमारा सिस, यदि इस तरह है तो हमारा क्या होगा सिस, क्लियर, ठीक। तो ये हो गया हमारा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, जो हमारा ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ऑक्टाहाइड्रल जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो यदि ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर हमारा में 1, 3, 2, 4, 5, 6 सेम लिगेंड होगा तो ट्रांस होंगे, 1, 2, 1, 4, 3, 4 मतलब इस जगह में होगा तो हमारा क्या होगा सिस होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे GI6 की GI कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो हम ऐसा देखते हैं, यदि मान लीजिए MA6 और MA5B और MAB5 इस कंडीशन में है तो GI नॉट पॉसिबल, क्लियर। यदि इस तरह है तो GI नॉट पॉसिबल, बट MABCDEF, MA2BCD 2, 3, 4, 5, 6, MA2B2 4, 5, 6, MA2B2C2, MA3B3, इस केस में जी आई पॉसिबल है, क्लियर। यानी कि मतलब 6 के 6 लेकिन अलग हूँ, 2 सेम बाकी 4 अलग, 2, 2 के सेम 2 अलग, 2, 2 के तीनों सेम और 3, 3 सेम, तो इस कंडीशन में जी आई पॉसिबल है, क्लियर। इस कंडीशन में जी आई पॉसिबल है और इस कंडीशन में जी आई पॉसिबल नहीं है फॉर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्लियर। तो जैसे आप हम बोल दें, यहीं पे यदि हम बोल दें नंबर ऑफ जी आई, क्लियर, कितने नंबर्स ऑफ जी आई बनेंगे, तो यहाँ पे आपको 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल सकते हैं, यहाँ पे 9 मिल सकते हैं, यहाँ पे 6 मिल सकते हैं, 5 मिल सकते हैं, आपको 2 मिल सकते हैं, क्लियर। तो ये हो गया हमारे ऑक्टाहाइड्रल के लिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और यदि हम दो एग्जांपल और देख लें, MA4B2, MA2B4, तो यहाँ भी जी आई पॉसिबल है जिसके नंबर मिलेंगे A4B2, MA2B4, तो यहाँ भी जी आई पॉसिबल है और जो नंबर ऑफ जी आई मिलेंगे वो मिलेंगे 2, क्लियर हुआ। ये हो गया हमारा ऑक्टाहाइड्रल के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब हम उन्हें जिसको हम बोलते हैं फेस आइसोमर, एक बोलते हैं मर आइसोमर, क्लियर। अब ये हमारा MA3B3 के लिए है और ये भी हमारा MA3B3 के लिए, क्लियर हुआ। यदि हम यहां बात करें
एम, ये हमारा हो गया ऑक्टाहेड्रल। यदि हम यहां बात करें एम, और ये हमारा हो गया ऑक्टाहेड्रल। तो फेस आइसोमर क्या होता है, जिसमें एक फेस फॉर्म होता है, क्या बनता है, एक फेस फॉर्म बनता है, ए ए क्लियर, यहाँ बी बी बी। तो यदि हम यहां बात करें तो देखिए एक फेस फॉर्म होता है, ये है ना, ये हो गया हमारा फेस, मतलब हम इसको सिस टाइप का, जस्ट सिस टाइप का रहता है फेस। यदि हम मर की बात करें तो हमारा हो जाएगा ए ए ए क्लियर, बी बी बी। यदि इस तरह का मिलता है तो ये आपका क्या हो जाता है, मेरिडियोनल या मर आइसोमर, है ना, मेरिडियोनल आइसोमर। ये हो जाएगा फेसियल आइसोमर, जिसमें आपको दो मिलेंगे, है ना, इस तरह में आपको दो मिलेंगे, एक फेसियल का मिलेगा एक मेरिडियोनल का मिलेगा। तो जब भी आपका एम ए थ्री बी थ्री ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछे तो आप समझ लेना कि आपके दो मिलेंगे, एक मेरिडियोनल का मिलेगा एक फेसियल का मिलेगा। क्लियर। फेस मर आइसो मेरिचम, ऑप्शन क्लियर, ऑप्शन क्या है, एम ए बी सी डी ई एफ, एम ए टू बी टू, एम ए फोर बी सी, एम ए थ्री बी थ्री। क्लियर। जब भी आपको इस तरह के एग्जाम्पल मिले और आपका फेसमर आइसोमर पूछे, फेसमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्लियर, तो आप हमारा क्या जाएगा आंसर, एम ए थ्री बी थ्री। क्लियर। एम ए थ्री बी थ्री है तो फेसमर आइसोमर जो जाएगा, जिसमें दो आइसोमर बनाएगा, एक फेस का बनाएगा एक मर का बनाएगा। क्लियर। तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्या, ऑप्टिकल आइसोमर, क्या डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। तो पहले ऑप्टिकल आइसोमर को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्लियर। यदि मान लीजिए हम पहले देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर फोर के लिए, किसके लिए देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर के लिए दो बनेंगे, एक आपका बनेगा टेट्राहाइड्रल, एक बनेगा स्क्वायर। क्लियर। जो स्क्वायर बनेगा ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, और जो ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर। ऑप्टिकली, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। यदि आपका स्ट्रक्चर स्क्वायर बनता है, यदि आपका स्ट्रक्चर स्क्वायर बनता है तो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, और यदि स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल बनता है, मतलब कि यदि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है तो हमारा होगा क्या, ऑप्टिकली एक्टिव, और यदि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है तो ये होगा हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाकी आपको पता ही है, एम ए फोर एम, यहाँ पे एम ए फोर एम ए थ्री बी एम ए बी थ्री, इस केस में जी आई पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर। तो हम पहले देखते हैं कि क्या दिया है, ऑप्टिकल आइसोमर का डेफिनेशन क्या है। तो ऑप्टिकल आइसोमर एक्टिव आर दोज टू कंपाउंड्स विद द सेम केमिकल फार्मूला सच एज देयर मिरर इमेज। क्लियर। ये मिरर इमेज बनाएगा, अभी हम बताएं कैसे मिरर इमेज बनाएगा, आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन एंड दे रोटेट, एंड दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इन अ रेडियोमीटर। वी हैव टू फेस, एक आपका ऑप्टिकल एक्टिव, एक आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव। मतलब कि जो रियल में आपका ऑप्टिकल आइसोमर होगा वो एक मिरर इमेज फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, मिरर इमेज। तो हम समझते हैं कैसे बनेगा मिरर इमेज। क्लियर। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने पहले ले ले रहा हूँ टेट्राहाइड्रल का। क्लियर। यदि मैं बात करें सबसे पहले टेट्राहाइड्रल एम ए फोर ए थ्री बी
AB3 जी आई नॉट पॉसिबल, जी आई पॉसिबल, क्लियर। यहाँ जी आई पॉसिबल है, मतलब ये हमारा यदि टेट्रा स्ट्रक्चर, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो यहाँ मेटल रहेगा ए बी सी डी, क्लियर। अब यदि हम यहाँ पे मिरर लगा दें, मिरर लगा दें और इसको रोटेट कराएं, क्लियर। क्या कराएं? मिरर लगा के यदि हम इस स्ट्रक्चर को रोटेट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर, जैसे मान लो अभी ऐसा है तो इधर साइड ऐसा हो जाएगा, मतलब ये हमारा मेटल यही रहेगा, क्लियर। ये रोटेट होगा तो ए भी यही रहेगा, ये बी इधर आ जाएगा, डी यही कहीं रहेगा और ये सी कहीं इधर चला जाएगा, क्लियर। तो इस स्ट्रक्चर का ये वाला स्ट्रक्चर मिरर इमेज हो जाएगा, और यदि कुछ ऐसा होता है ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ऑप्टिकल आइसोमर, क्लियर, समझ में आया। तो यदि ये इस तरह का है तो हम इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी, क्लियर। ये होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये होगा लीवो रोटेटरी, है ना। तो ये हमारा हो गया टेट्राहाइड्रल। अब यहाँ पे हम ये चीज देखेंगे, यदि ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर है, मतलब मिरर इमेज फॉर्म होगी, क्या होगी? मिरर इमेज फॉर्म होगी। और यदि आप ऑप्टिकल आइसोमर का टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव, मतलब कि प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट, क्लियर। यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगी, मतलब कि इसको आप दो बराबर भाग से डिवाइड नहीं कर सकते हो, याद रखिएगा। मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमर है टेट्राहेड्रल के लिए जो आप देखोगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जिसका प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगा। अब हम देखते हैं यही चीज स्क्वायर के लिए, किसके लिए देखते हैं? स्क्वायर के लिए। तो यदि मान लीजिए आप स्क्वायर में बनाते हो MA4, MA2B2, MABCD, क्लियर। तो ये हो गया MA4B4, ये हो गया MA4, ये हो गया एम ए ए बी बी, क्लियर। तो इन दोनों में देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, क्या है? इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव। लेकिन यदि आप ये वाला बनाओ ए बी सी डी तो नॉट पॉसिबल पी ओ एस, प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, मतलब आप इसको किसी भी जगह से काट के दो बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। हम इसको यहां से काट के दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिए, इसको यहां से काट के दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिए, और जिसको हम दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसमें पी ओ एस प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्लियर। तो जहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। जहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा उसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा वो, क्लियर। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल आइसोमर फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए देखें तो MA6, MA5B, MAB5, तीनों के लिए जी आई पॉसिबल नहीं है, बाकी के लिए है। तो यदि हम ले लें MABCDEF, क्लियर। यदि हम ले लें MABCDEF तो इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको मिलेंगे 15, बट ऑप्टिकल आइसोमर इसके लिए आपको मिलेंगे 30। क्या मिलेंगे इसके लिए? का इसके लिए जैसे मैंने जी आई लिखा,
एक दो तीन चार पांच, क्लियर, टोटल 15। तो यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा डेक्सट्रो, एक लीवो, डेक्सट्रो लीवो, डेक्सट्रो लीवो, डेक्सट्रो लीवो, डेक्सट्रो और लीवो, इस तरह से 15 का आपको डेक्सट्रो और लीवो मिलेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर आपका हो जाएगा 30, क्लियर। तो ऑप्टिकल आइसोमर मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जो ऑप्टिकल आइसोमर मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 30। और क्यों, क्योंकि 15 जी आई, और जी आई के एक लीवो एक डेक्सट्रो, 15 × 30 हो गए आपके ऑप्टिकल आइसोमर। और यहाँ से मतलब आपका आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक यहाँ से खत्म होता है। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। बस ये याद रखिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमर। आप इसको 2 बार 5 बार जितनी बार रिविजन कर सकते हैं रिविजन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच।